फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप भी WWE Mayhem का फ्री अनलॉक्ड अकाउंट चाहते हो तो अब आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप भी WWE Mayhem का एक फुल्ली अनलॉक्ड अकाउंट ले सकते हो हमारे से, BVTHEGAMERS से, बिल्कुल अनलॉक्ड। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो जल्द ही एक वीडियो आने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को वेलकम गाइस, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल BVTHEGAMERS पे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हमने ये वीडियो क्यों बनाया, लेकिन ये भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा इश्यू है हर एक हमारे सब्सक्राइबर के लिए। लगभग उनके ये कमेंट्स आते ही रहते हैं कि भाई मतलब ये क्या हो रहा है कि हमारा जो गेम है वो ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है, वो मतलब कुछ शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो यही दिखाने के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज मतलब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो नॉर्मली देखिए, जब भी हम हमारा जो WWE में हमका APK इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे 2 आपको ऐड करने के लिए कहा जाता है, या फिर मतलब फोल्डर को रीनेम करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे कोई भी आप अल्फ़ाबेट ऐड करते हो, जैसे कि 2 है, 3 है, या फिर कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया, कोई भी आप यहाँ पर अगर ऐड करते हो तो क्या होता है कि गेम से जो OBB फाइल है वो डिसकनेक्ट हो जाती है, वो उससे अटैच्ड नहीं रहती। बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हो, आप इस तरह का आपको मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो WWE में हमका आइकन भी आ जाएगा इस फोल्डर पे। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे गेम को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो देन क्या होने वाला, देखिए अभी मैं आपके सामने इस मतलब WWE में हमको अनइंस्टॉल कर दूँगा, मतलब मैं आपको बताऊँगा कि क्या हो जाता है इसके बाद। अगर डायरेक्टली हम विदाउट रीनेम और विदाउट अगर फोल्डर को वहाँ से आप रीनेम या वहाँ से कहीं और पुट नहीं करते, तो डायरेक्टली अगर आप गेम को अनइंस्टॉल कर देते हो तो आपका जो मेन फाइल है गेम की, जो आपने प्ले स्टोर से इतनी महंगी डाउनलोड की थी, यानी कि अराउंड 1 GB गेम हो गया है, तो वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा इश्यू हो गया है हमारे लिए, क्योंकि दोबारा से गेम को डाउनलोड करना पड़ेगा। और देन मतलब आप इंस्टॉल करते हो आपकी जो APK जो हम देते हैं, और देन अगर आप उसको इंस्टॉल भी कर लेते हो ना, और देन OBB में कुछ नहीं होता, जैसे कि अभी है खाली है, तो डायरेक्टली क्या होता है अगर गेम को चलाते हैं तो कुछ एरर आती है, लाइक मतलब एरर हो गई, जैसे कि एसेट रिक्वायर्ड होगा, या फिर ओनली ब्लैक स्क्रीन पे आपका गेम जो है स्टक हो जाएगा, जिसके कारण ये मतलब काफ़ी सारे कमेंट आए हैं मेरे पास ये कि भाई हमारा जो गेम है वो चल नहीं रहा, ओनली ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है, या फिर एसेट डाउनलोड रिक्वायरमेंट हमसे पूछ रहा है, तो इसको फिक्स कैसे करें, आज के लिए मैं यही बताने वाला था। तो नॉर्मली फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मतलब मेन मतलब यही था कि फ्रेंड्स प्लीज़ जो प्रोसेस है वो पूरा ध्यान से देखा करो, और देन मतलब फोल्डर को रीनेम करते वक्त प्लीज़ 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 यहाँ पे आप सिंपली 2 ऐड जरूर कर लें, या अपने फोल्डर को रीनेम कर लें, ताकि आपका गेम उससे डिसकनेक्ट हो जाए। ठीक है, अगर आपका OBB फोल्डर जो है गेम से डिसकनेक्ट हो जाता है, डिफरेंट अलग हो जाता है, तो नॉर्मली आपको जो है फोल्डर पे WWE Mayhem का या भी किसी भी गेम का आइकन देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण आप पता लगा सकते हो कि हमारा गेम यहाँ से डिसकनेक्ट हो गया है। तो नॉर्मली अगर आपका गेम डिसकनेक्ट हो जाता है OBB से, तो आप कोई भी ऑपरेशन उसकी APK के साथ कर सकते हो, देन आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप डायरेक्टली गेम का OBB अटैच्ड रखते हो और गेम को अनइंस्टॉल वगैरह इंस्टॉल दोबारा कर रहे हो, तो आपका मेन जो है OBB डिलीट हो जाएगा, जिसके कारण आपको फिर से गेम दोबारा से प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट, एंड मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि भाई प्लीज़ 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 अगर आप एक बार मोड इंस्टॉल करते हो तो OBV का रीनेम जरूर कर लिया करो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आप हमारी आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ सबसे पहले देख पाओ। तो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड Keep watching BVTHEGAMERS.